हेलो फ्रेंड्स, आपने प्याज के परांठे बहुत खाए होंगे, लेकिन इस तरह से प्याज के परांठे बनाकर एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। आप प्याज की कचौरी खाना भूल जाएंगे। एकदम आसान खस्ता प्याज का परांठा बनाने के लिए हम एक पैन में ऑयल गरम करेंगे, उसमें जीरा डालेंगे, हींग, अजवाइन, कुटा साबुत धनिया। अब हम 3-4 बारीक कटे प्याज डालेंगे और इनको अच्छे से भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस कलर चेंज हुए जब तक। प्याज को हल्का ही भूनना है, ज़्यादा लाल नहीं करना है। ये हमारे प्याज भूनकर तैयार हो गए हैं। प्याज भून गए, हल्के हाथों से हिला हिला के भूनना है। अब इसमें मैंने एक बाउल बेसन डाला है और इनको अच्छे से मिक्स करना है, बेसन और प्याज को चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स करना है। ये इस तरह से दबा दबा के चम्मच से, ताकि इसमें गुठले नहीं बने। इसके बाद हम इसमें मिर्ची डालेंगे, लाल मिर्ची आप अपने स्वादानुसार डाल लेना, हल्दी, धनिया, नमक। लाल मिर्ची और नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालना। अब इनको अच्छे से सबको भूनना है। ये इस तरह से भूनते टाइम ध्यान रखना कि चम्मच की सहायता से हिलाते रहना है, नहीं तो ये जल जाता है। ये देखिए, जब तक भूनना है जब तक बेसन का कलर ब्राउन ना हो जाए, ब्राउन मतलब बादामी। और इसको एक बात याद रखना, इसको मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है, नहीं तो कच्चा रह जाएगा बेसन। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है इसका कलर। इस तरह से भूनना है बेसन को। हाँ, ये देखिए, ये हमारा बेसन भून के तैयार हो गया है, प्याज का मसाला। ये देखिए, अब इसमें हम थोड़ा हरी धनिया डालेंगे, हरी धनिया को भी मिक्स करना है। बस थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है मसाला। अब ये परांठे के लिए डो लगा के रखा है मैंने। ये इसको एक लोई ली है, उसको मैंने बाउल का शेप दे दिया है। अब इसमें मसाला भरेंगे। मसाला भर के इसको जिस तरह से कचौरी भरते हैं ना, उसी तरह से बंद करना है, दबा के बंद करके गोल बेल लेना है। डो बिल्कुल ही मुलायम होना चाहिए, नहीं तो फट जाते हैं परांठे। ये देखिए कितना। अब इसको मीडियम फ्लेम पे ऑयल लगा के सेकना है। आप चाहो तो घी भी लगा सकते हो। मीडियम, ये हमारा परांठा बनकर तैयार है। दोस्तों एक बार ट्राई, आपको मेरे ही खस्ता प्याज के परांठे की रेसिपी अगर पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स लिखना। थैंक यू दोस्तों।